मैं आया था 2014 में नैपा में, और मेरा कोई वैसे अदाकारी का कोई इरादा नहीं था उससे पहले। इसका क्रेडिट जाता है मेरी बेगम को, उनको होस्टिंग करनी थी तो उनको किसी ने कहा कि नैपा एक जगह है जहाँ पे जो है वो अदाकारी वगैरह सिखाई जाती है, तो मैं चूँकि वी वर फ्रेंड्स तो मैं उनके साथ चला गया था नैपा। वहाँ फिर उन्होंने कहा भाई आप क्यों इसमें आना चाह रहे हैं, तो आई हैड नो क्लू, तो उन्होंने कहा मैं कि भाई मुझे होस्टिंग का है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं एकेडमी में आऊँ। तो जो मैनेजमेंट में थे उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप शाम में आएँ, एक प्ले हो रहा है और वो प्ले आके आप देखें। तो थर्ड ईयर फाइनल परफॉर्मेंस हो रही थी वाम इंद्रजीत, वो जब मैंने शाम में वैसी आके देखा थिएटर तो वहाँ से मेरा परसेप्शन बिल्कुल बदल गया। मैंने कहा भाई ये कौन सी अदाकारी हो रही है इतनी रियल, और आप उसी वक्त उसको फील कर रहे हैं। वहाँ से मेरा फिर इंटरेस्ट जगा और उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन दिया और मेरी सिलेक्शन हुई और फिर बस। यानी आपकी बेगम है जो आपको इसमें लेकर साथी तौर पर, इरादा बिल्कुल भी नहीं था, तो बेगम को सपोर्ट करने पहुंचे थे। बेगम आपकी एंकर बनी? नहीं, मैं वो एक्ट्रेस बन गई। वो बेगम बन गई। वो जो एक्ट्रेस बन गई, लेकिन जो है ये इनका जबरदस्त प्रभाव। तो उन्होंने फिर आपसे थिएटर किया या नहीं? जी, मतलब हम एक ही बैच में थे और उसके बाद फिर मेरा शौक जाहिर है जब मैंने मुझे पहला प्ले वहाँ से मिला, हमारे सुनील शंकर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था पहला ट्राइमेस्टर, वहाँ से फिर मुझे जब कैरेक्टर दिया गया कि भाई आप इस पर काम करें, और फिर जितनी वो बारीकियाँ नुआंसेस होते हैं कि भाई यहाँ से क्या है इसकी कैरेक्टर की क्या क्या नेचर है, कौन सी सिचुएशन में है, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ से फिर मुझे इंटरेस्ट उसमें आता गया आता गया आता गया। फिर ज़िया मुहीद्दीन साहब से डिक्शन पढ़ी और बड़े बड़े दिग्गज उनको देखा, इंस्पायर हुए, थिएटर परफॉर्म किया, पहली दफ़ा स्टेज पे गए, वो उसका एक फिर अलग जाहिर है उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे यही काम करना है। तो बस तब से अब तक लगे हुए, तब से लगे। और सना आपने भी थिएटर से शुरुआत की? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी साथी एक्ट्रेस हूँ। मैं गई थी, ये अपनी बीवी के पीछे गए थे, मैं अपने मियाँ के पीछे गई थी। मिनाज भाई, मैं मिनाज के पीछे गई थी। मैंने कहा चिलिंग होगी यार, वहाँ बैठेंगे चिलिंग करेंगे, और बस ये हादसा हो गया। मतलब मुझे तो अंदाज़ ए भी नहीं पता थी एक्टिंग की, मुझे स्क्रिप्ट ही पढ़नी आती थी। तो माशाल्लाह बड़ी बेइज्जती हुई है ज़िया साहब से, ऐसे गीले गीले जूते पड़ते थे, मीठे मीठे जूते उर्दू पे के। बट आई मीन मुझ जैसे इंसान को अगर कोई एक्टर बना सकता है वो नैपे ही बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता जिसको स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी आती हो। तो ये जितनी जबरदस्त ट्रेनिंग है सना, वो आपकी नैपा की जो है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे थिएटर के जितने भी मैंने एक्टर्स देखे हैं उनके पास ना जरा गुंजाइश कम होती है उर्दू में गलती करने की। कर ही नहीं सकते, जुर्म है। सो इट्स अ क्राइम। तो ये मुझे बताइए, उर्दू आपकी थिएटर ज्वाइन करने से पहले अच्छी थी? ये जो स्ट्रेसेस एंड पॉजेस आते हैं इनकी तो थी, ये झूठ बोलेंगे। आपने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कितना स्ट्रेस देना है, ये थिएटर ने सिखाया? असल में पढ़ने का जो बाकायदा शौक पैदा हुआ ना, वो नापा ज्वाइन करने के बाद हुआ, जब हमने ड्रामा पढ़ना शुरू किया। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। वो जब ज़िया साहब की क्लास में गए तो अच्छे अच्छों को पता चल जाता है कि उनकी उर्दू ठीक नहीं है। तो बस वो मौका मिला वहाँ पे, ज़िया साहब ने हमारा तलफ़ुज़ ठीक कराया और हमें बताया। प्यार से तलफ़ुज़ ठीक हुआ था पारस, या फिर? हाँ, ज़िया साहब जो है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल इंसान थे, अल्लाह उनको करी करे, और हमारे मेंटोर हैं, और अडोरेबल ह्यूमन बीइंग। मैंने इतना नफीस इंसान, इतना क्यूट आदमी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल, और प्रोफेशनलिज्म ऐसा था कि वैसे प्यार मोहब्बत सब कुछ जबरदस्त, लेकिन अगर आपने काम के मामले में थोड़ी सी भी कोताही की या आपने कोई लफ्ज गलत बोला तो बस उस पर क्लास हो जाती थी। और अच्छी खासी फिर वो पहले तो मतलब ऐसे बताते थे कि जान निकल जाती थी, और फिर बाद में डांटने के बाद और फिर खुद ही हंसना शुरू हो जाते थे। तो फिर हम नॉर्मल हो जाते थे, सिचुएशन को नॉर्मलाइज भी करते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए सांस बिल्कुल हमारी। उनका प्यार से समझाना भी ऐसा होता था कि वो आप फिर उसको सह नहीं पाते। उनका इतना बड़ा था, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे अभी कहा गलती, ठीक है, अगर आप गलती बोल देते हैं तो वो ऐसे होते ऐसे करते जी,
क्या कहा आपने? और फिर उनका एक मेरे साथ तो सबसे पहले था ख्वाब 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 एंड देन ही वाज लाइक जी सांस अंदर की अंदर ऊपर की ऊपर यू नो कि अभी कुछ आने वाला है और वो जुमले करते अच्छा आई एम श्योर कि आज के ना शो से आप भी ना जरा ठीक कर लेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ जो गलत अलाम है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नहीं बोलना जैसे मतलब ख्वाब में देखा था तो ख्वाब नहीं होता जैसे ख्वाजा जी होता ख्वाजा भी नहीं होता हम ख्वाजा बोल रहे जैसे मोहब्बत नहीं होता मोहब्बत उसके बाद सांस लेना भी नापा ने सिखाया मतलब मुझे लगता था जब हम ब्रीदिंग की क्लासेस लिटरली एग्जैक्टली तो वो शुरू शुरू में ना मैं अम्मी को जाकर अम्मी हमें तो सांस भी नहीं लेनी आती हम गलत सांस लेते हैं क्या बकवास कर रही सो देयर वर सो मेनी थिंग्स किस तरह खड़ा होना है किस तरह क्या करना है आई मीन फॉर मी इट वाज अ फिनिशिंग स्कूल यू नो हाउ टू सिट हाउ टू स्टैंड नॉट जस्ट थिएटर अच्छी ग्रूमिंग हो जाती है भैया आपकी इट वाज लाइक यू नो यू वर बीइंग ग्रूम्ड सिर्फ एक क्लास से भागती थी मैं वो थी स्क्रिप्ट मजाल है जो मेरा दिमाग चले स्क्रिप्ट की क्लास में बहुत मुश्किल क्लास अच्छा एक सवाल जो आप तीनों से है क्या आपको लगता है कि डिफरेंस होता है उन लोगों में जो कि थिएटर से जाते हैं ड्रामा इंडस्ट्री में वो लोग जो डायरेक्ट क्या चाहते हैं हमें आगे काम ना मिले क्या चाहते हैं आप चाहिए हमसे चाय बोले और फिर हमें सब बैन कर दे ब्लैक लिस्ट कर देंगे बैन होने वाला कल्चर भी मैं तो उससे बड़ी हूं मैं जब पारस के साथ काम करती हूँ आपके साथ मैंने अभी तक नहीं किया जब मैं पारस के साथ काम करती हूँ तो जिस तरह हम रिहर्स करते हैं ना वो साल में दो साल में जब इनके साथ काम करने को मिलता है सिर्फ उसी वक्त होता है वरना नहीं होता यू नो हम रिहर्स करते हैं हम प्लान करते हैं इम्प्रूव भी करते हैं कि इम्प्रूव नॉट जस्ट लाइक यू नो स्क्रिप्ट आप ज़रूरी नहीं आप चेंज कर रहे हो देर आर मोमेंट्स जो आप बना सकते हो तो वो करने का फिर थिएटर वाले के साथ मौका मिलता है एक्चुअली बात वही इस तरह से है कि हमारी ये ऑफ द स्क्रीन भी इस हवाले से बात हुई थी कि एक जैसे कोई ड्राइवर है तो उसने गाड़ी चलाना ऐसे सीखी कि वो डायरेक्ट सीट पे बैठा और उसने गाड़ी चलाना शुरू की तो उसने बहुत जगह एक्सीडेंट किए और करते करते वो सीख गया आखिरकार उसी के ही बरक्स एक इंसान है जो कि एक ट्रेनिंग स्कूल में गया उस पर पहले उसने गाड़ी चलाना सीखी तो और फिर सीखने के बाद वो रोड पे आया तो उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया फिर तो ये फर्क है हाँ बस गाड़ी गाड़ी तबाह होगी एक ही जिससे बार बार मार मार इसमें हरगिज ये नहीं है हरगिज भी ये नहीं है कि ये बुरे एक्टर्स हैं या उनको काम नहीं आता उन्हें हमसे बेहतर काम आता है बट गोइंग थ्रू अ चैनल ऑफ लर्निंग व्हाट यू डू इज वे डिफरेंट आई बिलीव इट मींस समथिंग एक्चुअली ना इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग तो मैं स्क्रिप्ट मांगती थी तो मेरे बारे में फैल गया था इसका तो बड़ा एटीट्यूड है ये तो स्क्रिप्ट मांगती है मेरा हक है मैं जब तक पढ़ूंगी नहीं मैं क्या एक्टिंग करूंगी मतलब मुझे वही आएगी कि हाँ जी सना ये स्क्रिप्ट है आपने ये करना है तो इस बात पे मैं काफ़ी इंसल्ट होती थी मेरी कि ये तो स्क्रिप्ट मांगती है हाँ और मुझे अभी तक हार्ड कॉपी चाहिए ये प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा समझा जाता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ कर आए जैसे पीटीवी के ड्रामों से बच्चों ने सुना करते थे कि प्रॉपर रिहर्स करते थे और उनकी वो कोशिश होती कि ताकि कम से कम टेक्स हो एग्जैक्टली और अभी भी यही होता है कि अब वो ट्रेंड बदल गया तो पीडीएफ में भेज मैं कहती हूँ नहीं मुझे हार्ड कॉपी चाहिए मैं जब तक वो पेपर टर्न नहीं करूंगी मुझे मजा नहीं आएगा।